peacekeeper for the introduction. We'll start with what the World Peacekeeper Movement is about. We have about 2 million peacekeepers on Facebook. There is a page on Facebook, we have Petitions and Truth. And each human value stands for one day of the week. So gratitude is Monday, forgiveness Tuesday, love is Wednesday. So on Wednesday, which is love, we wish each other happy love day. If it's Friday, giving day, we wish each other happy. Nadiaji, welcome and congratulations on being felicitated as World Peace Ambassador. We would like to ask you, what is your idea of World Peace? What do you think about film credits and has appeared in Bhojpuri and other regional language films and on Hindi television? And Raza Murad studied at the Film and Television Institute of India in Pune and received a diploma in film acting with a distinctive baritone voice. One of his memorable roles as character actor was a despondent poet in 1973, Namak Haram, with Amitabh Bachchan and Rajesh Khanna. So we welcome Mr. Raza Murad and felicitate him as World Peace Ambassador. किसी के दिल में नफरत ना हो, किसी के दिल में इंतकाम का जज्बा ना हो। हथियार जो हैं वो कभी नफरत से ना उठें। कई बार हथियार उठाने पड़ते हैं लेकिन वो नफरत से ना उठें। हथियार उठें तो नफरत को खत्म करने के लिए उठें। और ये जो बाउंड्रीज हैं सारी दुनिया में, ये हमारी बनाई हुई हैं। बाउंड्रीज रहें, यकीन रहें। There is a saying in English that love thy neighbor, अपने पड़ोसी से मोहब्बत कीजिए। और ये भी कहा जाता है कि अगर पड़ोसी के घर में चूल्हा नहीं जला है तो, और आपके घर में अगर रोटी पक रही है तो फिर वो रोटी जायज़ नहीं है अगर आपका पड़ोसी भूखा है। तो मैं यही कहूँगा कि there should be not a place for hatred in anybody's mind. We should not hate anybody.
और देयर इज नो लॉ एज सच इन द वर्ल्ड वेयर यू शुड बी फोर्स्ड टू हेट समबडी. नोबडी कैन फोर्स मी टू हेट समबडी. आई वॉन्ट डू दैट. बहरहाल मुझे ये कहना है, आई वुड लाइक टू से दैट 2021 इज माय गोल्डन जुबली ईयर इन द फिल्म इंडस्ट्री. मुझे पूरे 50 साल हो गए हैं इस लाइन में काम करते हुए. 1971 में मैंने काम शुरू किया था एंड दिस इज 2021. और ये जो अवार्ड है मेरे लिए, ये बहुत माने रखता है कि जिस आदमी ने पिछले 50 साल में स्क्रीन पे पीस का कोई काम नहीं किया, ही हैज ऑलवेज बीन वायलेंट ऑन द स्क्रीन. देयर वर सो मेनी रेप्स, मर्डर्स, लैंड ग्रैब्स. आज उस बंदे को एम्बेसडर ऑफ पीस बनाया जा रहा है, इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए नहीं हो सकती. बस यही कहूँगा कि एक दिन वन डे माई डॉटर आस्क्ड मी, डैडी यू आर सो वायलेंट ऑन द स्क्रीन बट यू आई हैव हार्डली सीन यू एंग्री इन द हाउस, व्हाट इज द रीजन. मैंने कहा बेटे मुझ में जितना भी गुस्सा है, जितनी भी हेट्रेट है, वो मैं कैमरे के सामने निकाल देता हूँ. तो पर्सनल लाइफ में मेरे लिए ना गुस्सा है ना कोई हेट्रेट है. तो जितनी भी बुराई है वो मैं कैमरे के सामने निकाल देता हूँ. सो सडनली दिस अवार्ड विल इंस्पायर मी टू डू गुड कंस्ट्रक्टिव वर्क इन माई लाइफ. एंड मैं यही कहूँगा कि आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर खुराकी वाला. उन्होंने हम सबको यहाँ पर बुलाया है. हम में कुछ खूबियाँ देखी हैं जब ही उन्होंने हमारा चयन किया, और जो अवार्ड आज आप हमको दे रहे हैं, इसकी गरिमा का ख्याल रखते हुए हम कभी भी जानकर कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे इसकी गरिमा को ठेस पहुंचे. जितना प्यार बांट सकते हैं, जितनी पीस स्प्रेड कर सकते हैं, फैला सकते हैं, वो हम करेंगे. थैंक यू राजा जी, बहुत अच्छे विचार आपने करे. और हमारा एक और प्रश्न है आपके लिए कि इनर पीस जो है, जो अपनी मन की शांति है, इनर पीस, वो हम कैसे हासिल कर सकते हैं? इट शुड बी विद इन यू. देखिए इतने इमोशंस होते हैं हर इंसान में. जो एक नाट्य रस है उसमें 9 रस होते हैं हमारे अभिनय में. कायनात को मालूम होगी ये बात. लेकिन जितने भी इमोशंस हमारे अंदर होते हैं, प्यार एक ऐसी चीज है, पीस एक ऐसी चीज है जो सब पर गालिब आ जाती है. यू जस्ट कैन नॉट अफोर्ड टू हेट एनी बडी थ्रू आउट योर लाइफ, एंड दैट इज गोइंग टू हार्म यू, दैट इज गोइंग टू हार्म योर हेल्थ. इफ यू आर हेटिंग समबडी, उसका कुछ नहीं जा रहा है. आप उसको देख रहे हैं, उसकी तरक्की से चल रहे हैं, उसकी प्रॉस्पेरिटी से जल रहे हैं, तो आप खुद अपना नुकसान कर रहे हैं. तो जलने वाला जो है, हेट करने वाला जो है, वो खुद अपनी आग में जलता है. तो मैं समझता हूं कि देयर शुड बी ओनली 3 इमोशंस, लव, लव एंड लव. वेरी नाइस. सो लव इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इमोशन. थैंक यू राजा जी, एंड कांग्रेचुलेशंस ऑन योर ग्रेट अचीवमेंट. थैंक यू फॉर कमिंग.
Congratulations on being felicitated as World Peace Ambassador. We would like to ask you, according to you, what is World Peace according to you? Good evening, everyone. For me, peace, if I have to sum it all, peace for me stands for P for prayers, E for empathy, A for affection, C for care, and E for energies. Good evening, everyone. I'm so, so honored, first of all, Dr. Jose Parker-Rakiwala, for inviting me here. And if at all I have to say anything, I would just say, in today's world, or today's planet, if the planet really needs something, it does not need more successful people. If at all needs anything, it needs more of peacemakers, more of lovers, more of storytellers, and lovers, when I say, it could be lovers of all kinds. Today, if at all I have to thank someone, it would be Dr. Huzaifa Khurakiwala for starting this initiative, which is a beautiful initiative, because in today's world, all we need is peace. And for me, you're the peacemaker we all could